बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। रऊफ अज़ीज़ अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अज़ीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल अज़ीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन ब वक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ और वो अपडेट्स आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अज़ीम भाई सलाला के अंदर कितने केसेस हैं, तो आप लोगों को पहले आगाही कर दे, सलाला के अंदर इस वक्त तक के मुताबिक 6092 पर्सन को हो चुका है कोरोना वायरस। इसके अंदर 5602 पर्सन की जो है रिकवरी हो चुकी है और 106 पर्सन की जो है डेथ हो चुकी है दोफार के अंदर, यानी कि सलाला के अंदर। तो अब बात करते हैं ओमान के आज के केसेस की। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 381 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के। और अब इन 381 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 1,18,884 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर माशाल्लाह से मजीद रिकवरीज भी आई है, आप लोग देख सकते हैं 1,09,330 पर्सन की जो है ओमान के अंदर रिकवरी हो गई है। इसके अलावा ये जो टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 6 मजीद पर्सन की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। और ये 6 मजीद डेथ मिला के आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 1,316 पर्सन की जो है डेथ हो गई है। आप लोग देख सकते हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है अभी भी ओमान के अंदर बढ़ रही है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हिदायत है हर सिटीजन्स के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, वो यही है कि मास्क लगा के रखे, सैनिटाइज करते रहे, तो को बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंस रखें, गैदरिंग बिल्कुल ना करें। अपने आप को इस वायरस से बचाइए और दूसरों को ये वायरस होने से बचाइए। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रऊफ अज़ीज़ अज़ीम को दीजिए इजाजत, दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से बहुत ज्यादा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।